यूपी के मैनपुरी में सिकोहाबाद से मैनपुरी मार्ग पर घिरोल कस्बा के पास गैस से भरा टैंकर पलटा। वहीं 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों से गांव खाली कराया गया। आवागमन बंद कर रोड को ब्लॉक किया गया। वहीं मथुरा रिफाइनरी से लखीमपुर टैंकर जा रहा था। वहीं मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी और साथ ही गैस को दूसरे टैंकर में ट्रांसफर करने की कवायद जारी रही। पेश है मैनपुरी के संवाददाता शिवनाथ सिंह की खास रिपोर्ट। कर ये तो मालूम नहीं पड़ पाया, अभी ड्राइवर वगैरह यहाँ कोई है नहीं इसका। अच्छा, कि कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था ये जी। तो ये अचानक कोहरा पड़ रहा था, कमानी टूट गई इसकी गाड़ी की, उससे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। डिसबैलेंस होने की वजह से साइड से गाड़ी पलट गई। उसकी सूचना हम लोगों को मिली करीब लगभग 1:30 बजे के रात में, 1:30 बजे लगभग फायर सर्विस को। तो तुरंत यहाँ भी हमने 3 गाड़ियां भिजवा दी गई सुरक्षा दृष्टि से। अच्छा। फिर गाड़ियां पानी चलाकर इसको ठंडा करवाया गया है, जिससे गैस घुल जाएगा, समझ गए, ज्यादा फैले ना। तो ये टीम आई है बाहर से, टीम ने आके उसकी गैस को बंद किया है। कहाँ कहाँ की टीम आई है? ये शायद फरुखाबाद की, और कहाँ की? इटावा। फरुखाबाद की टीम आई है। तो अभी इसको ठंडा कर रहे हैं, ठंडा होने के बाद फिर हाँ, अब उसके लिए दूसरा टैंकर मंगाया गया है। किसी की हताहत होने की संभावना? सो कुछ नहीं है बता रहे, ये बता रहे हैं कोई ड्राइवर ने का चोट हो रही, वो थाने में है बताते हैं। आप कौन से विभाग से हैं? फायर सर्विस से होंगे सर। फायर सर्विस से। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। तो क्या एहतियात बरते जा रहे हैं यहाँ पर मौके पर? मौके पर यही है, सुरक्षा के लिए 2 गाड़ियां लगा रखी हैं। 2 गाड़ियां खाली हो गई हमारी, वो पानी लाने के लिए चली गई है। अच्छा। पानी भरने के लिए चली गई है। और आम पब्लिक में कैसा, क्या कैसे करके रखा है? आम पब्लिक में जो है थोड़ा पब्लिक को दूर रखा जा रहा है उससे, कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह कोई मोबाइल वगैरह चला यहाँ पे, और जो रोड जाम कर दिया गया दोनों तरफ से, इधर का वाहन उधर से वाहन। नहीं, गांव में अफरा तफरी का माहौल है, बताया गया कि थोड़ा सावधान रहें, अगर गैस टैंकर पलट गया है और इससे क्या हो सकता है, मतलब कोई हादसा हो सकता है, आपको भोजन वगैरह का मतलब खाना का प्रबंध न किया जाए। अच्छा अच्छा। और थोड़ा सावधान रहें, अपने जागते रहें। लगभग 1 बजे के बाद गाड़ी का अनाउंसमेंट किया गया, भदौरिया साहब की गाड़ी थी और हमारी मतलब पुलिस प्रशासन भी काफी मशक्कत में रहा, सब लोगों को जागरूक किया और उसके अनुसार हम लोगों ने सब लोग जागरूकता के अनुसार बोलते रहे और जागते रहे, देखते रहे, कोई कहीं कोई किसी प्रकार कोई हादसा न हो जाए।